जी बहुत बुरा हुआ। आखिर क्यों बंद हो गए ये शोज? बबीता जी से लेकर बापू जीता जी तक, चिंटू से लेकर गुलगुले तक, और भाभी जी घर पर हैं से लेकर जीजा जी छत पर हैं तक, सारे टेढ़े मेढ़े शोज देखने के बाद हम लाए हैं 7 ऐसे वियर्ड इंडियन कॉमेडी शोज जो शायद आपके फेवरेट थे। ऐसे शोज जो चले तो ऐसे कि आज भी उनके किरदारों को आप याद करते होंगे। सो बिना किसी सस्पेंस के हमारी लिस्ट शुरू होती है इस शो से जिसका नाम था हमारे लिस्ट के 7वें नंबर पर आता है ये शो मालेगांव का चिंटू। अब इसे मिस्टर बीन की कॉपी कहें या चार्ली चैपलिन की आधार कॉपी, ये शो साइलेंट कॉमेडी पर आधारित था। साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक, एक्सप्रेशंस ही इस शो की जान थी। इस शो के टोटल 3 सीजन्स निकले जिसमें दूसरे का नाम था चिंटू बन गया जेंटलमैन और तीसरे का नाम था चिंटू और पिंटू। यानी कि इनके शो को प्यार तो मिला टीआरपी के रूप में, पर जैसे जैसे सीजन्स आए उतनी ही जल्दी से गायब भी हो गए, मानो किसी आईटी में जॉब कर रहे फ्रेशर की सैलरी हो। रीजन ये था कि उस वक्त इंडियन ऑडियंस साइलेंट कॉमेडी के हिसाब से तैयार ही नहीं थी। जब तक घर में बातें और पड़ोस की लाते ना हो तब तक कैसे कोई शो देखा जाए। चिंटू की कहानी तो नहीं चली, इसलिए क्रिएटर्स को बहुत दूर जाना पड़ा अरे हमारे नेक्स्ट शो के लिए, लेकिन तब भी दुर्घटना हो ही गई। इस शो का नाम जो हमारी लिस्ट के 6 नंबर पर आता है बड़ी दूर से आए हैं। आप कहेंगे क्या मजाक है यार, ये शो तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा से भी ज्यादा बेहतर था। हाँ, ये शो हिट हुआ जिसमें एक एलियन फैमिली अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढने अर्थ पर आती है। इसे प्यार मिला, पर शायद सब टीवी ने तारक मेहता के शोज को इस शो से बेटर प्रेफरेंस दी, वरना ऐसा शो जिसमें एलियंस हो कौन नहीं पसंद करेगा। इसके शोज सुबह के 6 बजे के आसपास दिखाए जाते थे जिसे हर किसी के लिए देख पाना मुश्किल होता था, जबकि दिन भर सब टीवी पर क्या दिखाया जाता था, हे माँ माताजी। किस्मत सारे शोज की अच्छी नहीं होती, अब क्रिएटर्स क्या करें। जब जीवित लोगों से बात नहीं बनी तो क्रिएटर्स को जमीन के नीचे यानी भूतों के पास जाना पड़ा और हमारा नेक्स्ट सीरियल बनकर निकला। लेकिन इस डरावनी कॉमेडी पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपके चेहरों पर मुस्कान और यादों को रिफ्रेश करने में काम आया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर शनिवार हम लाते हैं हॉरर एंड हिस्ट्री लगातार। सब्सक्राइब करने के बाद सुनिए हमारी लिस्ट के 5th नंबर पर आने वाले शो का नाम जो कि था भूत वाला सीरियल। भूत भी और कॉमेडी भी, अरे यही तो चाहिए था क्रिएटर्स को और हम जैसी ऑडियंस को। ऐसा शो जिसमें भूत और इंसान दोनों मिलकर बैडमिंटन खेलते हो और इस शो में एक भूतों का हेड भी होता है, लेकिन उसे कभी दिखाया नहीं गया। लेकिन फिर भी ये शो बंद हो गया। मैं बताता हूँ क्यों। हमारे जमाने की बात है, जब सब टीवी के पास एक बड़ी प्रॉब्लम आई, यानी कि उनके पास एक समय में थे 5 शोज और दिखाने के लिए सिर्फ उनके पास थे 2 घंटे जिनमें आते थे ये 5 शोज, जिनके नाम थे FIR, सोनू दी स्वीटी, ये चंदा कानून है, थैंक यू जीजा जी एंड द भूत वाला सीरियल। बड़ी दिक्कत थी। FIR को उठाकर मेकर्स ने 10 बजे डाल दिया और 8:30, 9 और 9:30 के स्लॉट में बाकी 3 शोज बचा भूत वाला सीरियल। बदकिस्मती से बंद हो गया, क्रिएटर्स ने हाथ खड़े कर दिए और कॉमेडी वाला भूत कहीं खो गया। वैसे तो इस सीरियल को देखकर मुझे भी डर लगता था, पर डर के आगे जीत और क्रिमिनल्स की रीत तोड़ने हमारा अगला शो आया जिसका नाम था डॉक्टर भानुमति ऑन ड्यूटी। इस शो की लीड एक्ट्रेस थी हमारी फेवरेट चंद्रमुखी चौटाला AKA कविता कौशिक, पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पूरे 39 एपिसोड्स के बाद कह दिया कि मैं ये शो छोड़कर जा रही हूँ। उसका रीजन उन्होंने ये बताया कि FIR की तरह जो उनका पिछला शो था जो कि बहुत फेमस हुआ, उनके डायलॉग्स बिल्कुल सेम थे, रोल भी लगभग सेम था, बस पुलिस स्टेशन में ड्रामे होते थे पर अब हॉस्पिटल्स में। इसी वजह से क्रिएटर्स को किसी और को ढूंढना पड़ा और उन्होंने इस शो को नए नाम से लॉन्च किया, डॉक्टर मधुमति ऑन ड्यूटी, जिसकी लीड एक्ट्रेस थी देबिना बनर्जी। लेकिन पूरे 55 एपिसोड्स के बाद भी वो जादू नहीं चला और इस शो को हमें टाटा कहना पड़ा। हमारे लिस्ट के 3rd नंबर पर आने से पहले कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से शो ज्यादा पसंद थे और किसे आप वापस देखना चाहते हैं। 3rd नंबर पर आने वाले शो का नाम है लापतागंज सीजन 2। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि ये हमारी लिस्ट में क्यों है। मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसा शो जिसमें एक पीड़ित पति, बेरोजगार हीरो और उसकी हीरोइन, एक लफंटर दोस्त, एक फूफा जी जैसे दिखने वाली जीजा जी, एक चाय की दुकान, पान वाले का मकान,
एक बॉडी बिल्डर और एक बहुत बोलने वाला मामा था। ऐसा शो जो बंद नहीं होना चाहिए था पर बंद हो गया। इस शो का सीजन 1 इतना अच्छा था कि आज भी मेरे घर में इस शो को देखा जाता है। एक ऐसी गांव वाली फीलिंग आती। पर इस फीलिंग के बावजूद जब इन्होंने लापता गंज का सीजन 2 निकाला तब उसमें वो बात नहीं थी। चीजें और घर सीमेंटेड हो गए, डायलॉग्स रिपीटेड थे और जो छोटे छोटे बच्चे थे जिसे हम पहले से देख रहे थे वो सब बड़े हो गए। जबकि मुझे अच्छी तरह याद है कि ये शो लोगों की डिमांड पर आया था। लोगों की डिमांड पर इसे वापस क्रिएटर्स ने सब टीवी पर स्लॉट दिया था पर क्रिएटर्स को निराशा ही मिली और कुछ नहीं। वैसे सिर्फ यही एक शो नहीं था जिसके लास्ट सीजन ने लोगों को दुखी और पागल कर दिया था। एक और ऐसा शो था जो हमारे लिस्ट पे दूसरे नंबर पर आता है जिसका नाम है FIR का लास्ट सीजन। व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट, पालम इज द व्हेन इज योर मैरिज इज द कानपुर में है गैरेज इज द। ऐसा शो जिसके रोल्स, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स और सबसे इंटरेस्टिंग तकिया कलाम, जिसके लिए इन्हें अवार्ड शो में एक अवार्ड भी मिला है। ऐसा शो बंद हो गया, वापस लाओ इस शो को कहने वाले बहुत लोग हैं। पर रिपोर्ट से ये पता चलता है कि क्रिएटर्स के पास और स्टोरीज नहीं थी, वो रिपीट होने लगी थी और क्रिएटर्स ने एक बार तो गजब ही कर दिया। चंद्रमुखी चौटाला जो मेन कैरेक्टर थी उन्हें ही बदल दिया था, जिसे कंटिन्यू किया था हमारी हॉकी प्लेयर ने। लेकिन लोगों का गुस्सा ऐसा भड़का कि कविता कौशिक को वापस आना पड़ा। अगेन एंड अगेन सेट बदला, लोग बदले, HD स्क्रीन और बज गई बीन, बज गई घंटी। अनफॉर्चुनेटली हमें भी इस शो को बाय करना पड़ा और हमारे लिस्ट के लास्ट शो जो पहले नंबर पर आता है मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि शायद आप समझ ही गए होंगे। मैं उस शो की बात कर रहा हूं जिसे आप सब बाय बाय कहना चाहते हैं, जो बंद तो हो गया है पर आपके दिलों से टीवी से अभी तक नहीं बंद हुआ। अभी भी इसके स्लॉट्स और शोज दिखाए जाते हैं क्योंकि दिल में उतर गए शो को अब इनके किरदारों की अच्छी यादों के साथ बाय बाय करना लाख गुना अच्छा है, बजाय इसके कि शो से जाते जाते नफरत हो जाए। हाँ, एक्सेप्ट एक आदमी के, आवर फेवरेट, इनसे नफरत हो ही नहीं सकती। अब लापता गंज का सीजन 2 कहूं, FIR का लास्ट सीजन कहूं या फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लेटेस्ट एपिसोड्स कहूं, जब पुराने 144 पिक्सल के एनवायरनमेंट, डायलॉग्स, कास्ट और बातों से पेट भर रहा था, सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, तो आखिर क्यों 4K सेट, रिपीटिंग डायलॉग्स और नई कास्ट जैसे पाइनएप्पल पिज्जा को लाने की जरूरत पड़ गई। लोगों को ओल्ड इज गोल्ड किनारे बहुत पसंद थे, इसीलिए इस अनचाहे बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर सके, इसीलिए ये सारे शोज कभी ना कभी अनफॉर्चुनेटली बंद हो गए। हमारे अगले हिस्ट्री शनिवार में आप देखेंगे 7 ऐसे बेस्ट शोज जिसे आप और आपके पेरेंट्स आज भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं और कहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपसे मिल सकें दोबारा। मिलते हैं नेक्स्ट शनिवार हॉरर एंड हिस्ट्री के साथ।